हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं न्यू ब्लॉग आ चुके हैं कच्चे नए ब्लॉग के साथ। तो देखिए अभी खेत में फिलहाल काम जारी है खेत में, और देखिए बारिश हुई है और इस समय सुबह को इस समय देखिए फुहारा है। अभी फिलहाल सनलाइट भी हो रही है, तो चलिए चलते हैं फिलहाल। और यहाँ देखिए पत्ता गोभी में शीत और देखिए पानी लग चुका है बारिश होने के कारण। अभी शाम को दोस्तों बारिश हुई है, ठंड के समय जनवरी का महीना अभी चला है फिर भी बारिश हो रही है। लगता है थोड़ा एक दो दिन और ठंड पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों अभी रोज़ धूप होती है। फिलहाल मौसम सही हो गया था फिर, और यहाँ पर देखिए अभी बारिश होने के कारण एकदम फसलें हरी हरी भरी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं, अब स्कूल के लिए रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं। और यही सब दोस्तों दिखाने के लिए आए थे। तो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए और फिलहाल खेत में है, और बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि दोस्तों अभी मौसम अच्छा नहीं था। फिलहाल दो तीन दिन से धूप हो रही थी, लेकिन फिर आज रात को बारिश हुई है। और जाने में पर्स देखिए यहाँ पर अभी ज़मीन भीगा हुआ है, और देखिए चारों ओर अभी, और यहाँ पर अभी मटर की कुड़ाई निराई हुई है, यही सब है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी कल प्याज की रोपाई हुई है, जाने में देखिए ज़मीन फिसल रही है, तो अभी इसलिए हम बिना चप्पल का आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए यही है प्याज की नर्सरी जो कल अभी रोपाई हुई है। आगे चलते हैं, देखिए एक क्यारी फिलहाल डेढ़ क्यारी प्याज की नर्सरी की रोपाई हो चुकी है। और यहाँ पर अभी पालक है, तीन क्यारियाँ आ चुके हैं यहीं पर कल प्याज की रोपाई हुई है। फिर चार क्यारियाँ प्याज की रोपाई हो चुकी हैं और फिलहाल तीन क्यारियाँ बची हुई हैं। चलिए चलते हैं, अब स्कूल के लिए भी रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, कम से कम 100 लाइक। देखिए फिसल रहा है, अभी ज़मीन भीगा हुआ है बारिश होने के कारण, काई जम गई है, काई काला काला। तो चलिए चलते हैं, अभी फिलहाल घर पर भी पानी लगा है, यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी पानी लगा है, तो आने जाने में परेशानी हो रही थोड़ा, फिर भी अभी धूप हो रही है, सूख जाएगा ज़मीन। तो देखिए अभी धूप हो रही है, तो आ चुके हैं घर पर, अब चली चलते हैं स्कूल के, रेडी होते हैं फिलहाल। तो हेलो दोस्तों, देखिए नहा लिए हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, नहा धो लिए हैं और कपड़ा भी की धुलाई हो गई है। तो चलिए चलते हैं, अभी खाना खाते हैं फिर स्कूल जाते हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल धूप भी निकल गई है, धूप निकल चुकी है, अब चलिए चलते हैं। और देखिए अभी सुबह का समय है फिलहाल, और अभिषेक भाई अभी नहाने जा रहा है, अब मैं नहा चुका हूँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और देखिए आ चुके हैं, तो उस बगल देखिए यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं, आ चुके हैं अपने बरामदे में। देखिए चलिए देखते हैं क्या बना है खाना में, भोजन में। तो दोस्तों आ चुके हैं छत पर, यहाँ पर देखिए खाना लेकर आ चुके हैं, धूप हुई मस्त एकदम धूप हुआ है। देखिए अभी फ़िलहाल सुबह का समय, और देखिए खाना में क्या बना है, साग, प्याज की साग और पालक की साग और चावल है थोड़ा सा। तो चलिए खाते हैं और स्कूल चलते हैं, और देखिए थोड़ा चावल है, चलिए खाने के बाद मिलते हैं। और देखिए अभी छत पर है फिलहाल, चारों ओर दिखा देते हैं आपको, देखिए धूप हो चुकी है फिलहाल। यहाँ से देखिए अभी साफ नहीं आ रहा है, तो चलिए चलते हैं खाना खाते हैं और चलते हैं स्कूल, और आपको दिखाते हैं फिलहाल प्याज की साग और यह पालक की साग है और यह थोड़ा सा चावल है और दो तीन रोटी है। तो चलिए खाते हैं, यही है दोस्तों खाने में। और आप लोग देखते हैं कि हमारी फसल में क्या क्या है, अभी पालक है, हरी हरी सब्जी है, मस्त अपना खाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है पालक, जो पालक यानी कि हरी हरी सब्जी खाने में खून बढ़ता है, ताकत मिलती है। तो चलिए खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो चलिए चलते हैं खाते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अभी आ चुके हैं स्कूल के लिए, रेडी हो चुके हैं, देखिए ड्रेस व्रेस पहन लिए हैं, और देखिए हम नहा धोकर कपड़े की धुलाई कर लिए हैं और भैया की अभी धो रहे हैं फिलहाल, अभी धूप हुई है तो कपड़ा धुलाई कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, सूख जाएगा कपड़ा। अभी यहाँ पर ढेर सारा रखा गया है,
और यहाँ पर एक टप अभी खींच रहे हैं फिलहाल। तो अभी धूप है तो सब हम लोग अपना कपड़ा धुलाई कर रहे हैं ताकि अभी सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, चलिए यहाँ पर ले चलते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए तीन छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर के, और देखिए बाबू है यहाँ पर, और यहाँ पर पल के निकाला जा रहा है, साफ किया जा रहा है मार्केट के लिए। तो अभी उसमें थोड़ा थोड़ा पतई पक जाते हैं, जो ख़राब जाते हैं तो बेस्ट पतई से निकाला जा रहा है पालक से। और यहाँ पर बाबू है, मस्त बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। हाँ मामा चला चलते हैं बाबू को लेकर बैठा उसको ले जाए। देखिए यहाँ पर बहनी बाबू को खिलाएगी। तो चलिए चलते हैं स्कूल, यहाँ पर बच्चे अपना मस्त खेलेंगे। अरे रुआ मत, रुआ मत, बैठा बैठा यहाँ बैठा, बाबू के बैठा खिलावा यहाँ बैठा। हाँ ओके यहाँ बैठा बाबू खिलावा, ओका ओका हाँ खिलावा। तो चलिए चलते हैं, बच्चे अपना मस्त खेल रहे हैं। और दोस्तों अभी देखिए सुबह का समय है, फिलहाल रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही रोज़ काम होता है, मार्केट के लिए सब्जियां तैयार की जाती हैं। और अभी फिलहाल नया काम नहीं हो रहा है, कुछ यही सब हो रहा है। और देखिए रात को अभी बारिश हुई है, तो अभी थोड़ा हमारे घर पर अभी पानी लगा है, थोड़ा ज़मीन में थोड़ा गड़ा हो चुका है। तो बाबू अभी रो रहा है, मस्त अपना बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपना रूम में, चलिए आपको कुछ नया जानकारियां देते हैं। तो आ चुके हैं अभी रूम में, चलिए चलते हैं। ये रहा अपना रूम, इसे चलिए इसे बता देते हैं। तो आ चुके हैं, चलिए चलते हैं रूम में, चलिए आपको एक नई बात बताते हैं आपको। दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम में, स्टडी रूम में। फिलहाल यहाँ का वीडियो हम नहीं बनाए हुए हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर अपने रूम में। यहाँ पर हम रात को सोते हैं अपना, और यहाँ पर देखिए हम मस्त अपना पढ़ाई करते हैं सोकर। और दोस्तों हम सुबह को लगभग लगभग 5 बजे इस समय जाग रहे हैं सुबह को, तो थोड़ा आधा घंटा मैथ पढ़ लेते हैं और ढेर सारे होमवर्क करते हैं, हम पूरा नहीं समय नहीं मिल पाता है। स्कूल से आने के बाद कोचिंग चले जाते हैं, वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिलता है। तो चलिए एक ठे बात करते हैं पढ़ाई के बारे में थोड़ा। दोस्तों अगर क्या हो, अगर हम वीडियो बनाएं, जो भी हम पढ़ें उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो आपको कैसा लगेगा लाइक करके बताइए, और एक कमेंट कीजिए कमेंट। और यहाँ पर देखिए मस्त अपना हम यहाँ पर मोबाइल रख देते हैं, और मोबाइल से एक चैप्टर फिनिश कर देते हैं। मोबाइल का यही फ़ायदा है दोस्तों, मोबाइल का सही तरह आप उपयोग कीजिए। और यहाँ पर देखिए भी ये अपना मोबाइल है, ये इसमें हम मस्त अपना मैथ जैसे स्कूल में पढ़ाया जा चुका है मैथ एक चैप्टर, तो हम मोबाइल में लगभग 45 मिनट का वीडियो होता है, पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हम ऐसे देखिए ऐसे मोबाइल को चालू करते हैं, दोनों हमारा पासवर्ड है 159। यूट्यूब में चलिए चलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चे मोबाइल का सही तरह उपयोग करें तो काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है मोबाइल में। छोटे छोटे बच्चे आजकल शॉर्ट ज़्यादा शॉर्ट देखते हैं, ताकि उनकी अच्छी अच्छी नई नई जानकारियां भी मिलती हैं, हमसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं अगर अगर वह शॉर्ट वीडियो देखें तो। देखते हैं काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, शहरों में अक्सर होता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा मस्त हम ऐसे रख देते हैं मोबाइल को, ऐसे मोबाइल को रखकर हम मस्त अपना क्लास करते हैं। यहीं पर फिलहाल काम कर रहे हैं, सोते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम लगता है स्कूल नहीं जाएंगे आज, हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। और अभी हम फिलहाल आज घर पर रहेंगे, और आज हम मैथ पढ़ेंगे चैप्टर। हाँ हमारी स्कूल में 10 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, अभी चल रहा है जनवरी महीना, लगभग 10 महीने हुए हैं। फिर इसके बाद हम अभी क्लास 12 की कोचिंग कर रहे हैं।
तो देखिए इसमें अभी का चल रहा है देखा, तो अभी हम उसकी वीडियो देखेंगे इसमें मस्त। तो गाइस जा चुके हैं कच्चे, देखिए यहाँ पर ब्लॉगिंग के लिए, और यहाँ पर देखिए अभी हम फिलहाल यहाँ पर अपने बिस्तर पा चुके हैं, और यहाँ पर देखिए मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाएंगे अभी, मैथ में क्या पढ़ा जा रहा है वही पर अभी पढ़ते हैं घर पर रहकर। तो अभी मैथ हम पढ़ रहे हैं, देखिए मोबाइल में मस्त अपना देखिए ऐसे अपना ब्लॉग चला है, अभी ब्लॉग मोबाइल में चला रहे हैं और अभी पढ़ाई करेंगे मोबाइल से। मोबाइल से दोस्तों काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हम एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, यही काफ़ी अच्छा है, हमें मोबाइल का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। आप भी दोस्तों मोबाइल का अच्छा अच्छा उपयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे मोबाइल का गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, पबजी खेलने में ज़्यादा, तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखिए अभी पढ़ाई अभी करेंगे, अभी फिलहाल अपना ब्लॉगिंग चला है ब्लॉग यहाँ पर देखिए। तो अभी मस्त है यहाँ पर, इतनी कापियाँ हैं, और देखिए वहाँ पर अभी अलमारी में रखा गया, और बगल में भी पीछे पीछे वहाँ पर रखा गया है रूम में, थोड़ा वहाँ पर कापियाँ रखी गई हैं ढेर सारी। तो अभी फ़िलहाल हम 11 क्लास 11 की पढ़ रहे हैं, और कोचिंग पर क्लास 12 की अभी पढ़ रहे हैं, तो 12 की भी यहाँ पर किताब मैथ है, यहाँ पर यह मैथ 12 की है। तो अभी हम फिलहाल 11 की पढ़ते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा होमवर्क मिलता है 12 की 10 छोटे छोटे भी पॉइंट पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी अभी देखते हैं आगे बन रही है हमारे वीडियो में, और मस्त अभी पढ़ाई करते हैं।